शिवसेना को लेकर शरद पवार ने किए चौंकाने वाले खुलासे, पार्टी को खत्म करने की बीजेपी की थी प्लानिंग। शरद पवार का कहना है, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में करीब 50 सीटों पर गुपचुप तरीके से बागी उम्मीदवारों को समर्थन देकर शिवसेना की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के तीन तलों वाले महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन के सूत्रधार माने जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया है कि बीजेपी कभी अपनी सहयोगी शिवसेना को खत्म करने की फिराक में थी। पवार ने दावा किया है कि इसका कारण यह था कि बीजेपी का मानना था कि वह शिवसेना को खत्म किए बिना राज्य में निर्विवाद वर्चस्व हासिल नहीं कर सकती। एनसीपी सुप्रीमो ने क्या क्या कहा है, इसी में छपी एक खबर के अनुसार एनसीपी सुप्रीमो का कहना है कि इससे दोनों सहयोगियों के बीच बेचैनी पैदा हो गई, जो तब और गहरी हो गई जब बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में करीब 50 सीटों पर गुपचुप तरीके से बागी उम्मीदवारों को समर्थन देकर शिवसेना की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की। इससे पहले वे कहते हैं, 2017 का बीएमसी चुनाव, जिसे बीजेपी ने अपने तीन दशक पुराने गठबंधन में पहली बार शिवसेना के खिलाफ स्वतंत्र रूप से लड़ा, शिवसेना को खत्म करने का एक तरीका था। आत्मकथा लोक भूल भुलैया संगीति में दावे, ये दावे 2 मई को प्रकाशित होने वाली पवार की आत्मकथा लोक भूल भुलैया संगीति के दूसरे संस्करण में किए गए। आत्मकथा ऐसे समय में सामने आने की उम्मीद है जहां व्यापक अटकलें हैं, कि उनके भतीजे एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार, अगर सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार पर प्रतिकूल फैसला सुनाया तो विधायकों के एक समूह के साथ बीजेपी से हाथ मिला लेंगे। एनसीपी सुप्रीमो आगे लिखते हैं कि शिवसेना के स्वाभिमान को खत्म करने की साजिश थी। एक समय था जब शिवसेना ने महाराष्ट्र में 171 विधानसभा सीटों पर और बीजेपी ने 117 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वह कहते हैं कि 2019 में बीजेपी ने 164 सीटें ली, 124 सीटें शिवसेना के लिए छोड़ दी।